तो हेलो भाइयों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फेंटासी लीजेंड अखाड़ा में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बंगाली और रॉयल बार्सिलोना के बीच खेले जाने वाले दोस्तों आज के एसी ट्वेंटी टेन मैच के बारे में जो कि दोस्तों आज के दिन का चौथा मैच रहेगा ठीक है चौथा मैच आज के दिन का और इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा बात करेंगे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में जिन्हें आपको अपनी टीम में लेना है और बात करेंगे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में करके चलना है दोस्तों तो वीडियो को आप लोग पूरा देखो चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हो तो फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यूज़र हैं काफ़ी अच्छा विन कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी टॉस एंड लाना के अपडेट आपको मिल जाएंगे दोस्तों ठीक है कोई भी जैसे नया प्लेयर खेलता है ना तो उसके स्टेट्स उसके बारे में मैं बता देता हूँ बेस्ट टीम यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों और बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ सभी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कौन सा मैच में इन्वेस्टमेंट अच्छा करना है कौन सा मैच में दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया हूँ ठीक है चलिए दोस्तों बात करें मैच के बारे में और प्लेयर्स के बारे में तो दोस्तों ये मैच नंबर चौहत्तरवां रहेगा ठीक है स्पेन टी का और आज के दिन का चौथा मैच रहेगा दोस्तों खेला जाएगा अभी एन और आर्वी के बीच में सात बज के पंद्रह मिनट मैच स्टार्ट होगा सेम वेन्यू बार्सोलोना वै में मैच रहेगा दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करूं तो बैलेंस सरफेज ही रहेगा ठीक है एक रिकॉर्ड आपको यहां पे पता होना चाहिए हेड टू हेड का एक मैच खेला गया जिसमें दोस्तों रॉयल बार्सोलोना की टीम ने विन किया था मैच को ठीक है एवरेज स्कोर आपको सौ से एक के बीच में देखने को मिलेगा बात करें दोस्तों टीम बंगाली के प्रोबल प्लेइंग इलेवन के बारे में तो दोस्तों अभी जो अभी जो दिन का पहला मैच था बंगाली टीम्स का उसने उस मैच को जीत के जीता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है ठीक है फारूक अहमद है दोस्तों और अब्दुल्ला अलमून है इनकी टीम से ओपन करते हुए दिखेंगे आपको ओवरऑल दोस्तों बंगाली टीम है ना अपना नौ मैच खेल चुका है और नौ मैच में दोस्तों इसने अपना चार मैच विन किया ठीक है चार मैच विन किया है पाँच मैच हारा है तो इनके प्लेयर्स ना ठीक ठाक ही हैं परफॉर्मेंस कर रहे हैं अच्छा फारूक अहमद यहाँ से ओपन करते हैं अब्दुल्ला अलमून जैसा मैंने बताया ठीक है फारूक अहमद दोस्तों आपको देखो फर्स्ट वाला अभी जो दिन का पहला मैच खेला गया था उसमें पैंतीस रन प्लस जीरो विकेट दो ओवर डाल के बढ़िया परफॉर्म किया बैटिंग से प्लस दोस्तों बॉलिंग भी कर लेता है कभी कभी ये विकेट कीपिंग करता है तब ये बॉलिंग नहीं करता ठीक है तो मैं आपको बता दूंगा ये विकेट कीपिंग कर रहा है या नहीं अब्दुल्ला अलमून है दोवर की बॉलिंग करेगा बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर लेकर के चलेंगे सी वी सी भी ट्राई करके चल सकते हो उस प्लेयर को इंपॉर्टेंट रहेगा का हरदीप सिंह भी दोस्तों बेहतरीन क्लासिकल प्लेयर है इनको भी लेकर के चल सकते हो आप लोग दो ओवर की बॉलिंग करेगा प्लस दोस्तों आपको वन डाउन पर बैटिंग दे रहा है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा इसको भी दोस्तों सी बी सी ट्राई करना रहेगा तो कर सकते हो जाहिद हसन है ये भी हिटर प्लेयर है थोड़ा बहुत इसको बॉल खेलने को मिल जाए तो दोस्तों ये रनस करके दे देता है टीम को बिल्कुल ही इसको लेकर के चलिएगा और देखो बैटिंग फर्स्ट अगर इनकी टीम पहले करे ना तो बिल्कुल इसको तो ड्रॉप मत ही करना अपनी टीम में लेकर के ही चलना तो बिन मोतलब हैं अगर विकेट कीपिंग सेक्शन में इससे कोई अच्छा ऑप्शन रहा तो दोस्तों उसको लेंगे वरना फिर इसको लेकर के चलना पड़ेगा और ये दोस्तों इसका बैटिंग थोड़ा सा डाउन रहता है हालांकि विकेट कीपिंग प्रॉपर कर रहा है सैदूर रहमान हैं मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग के लिए आ जाते हैं प्लस दो ओवर की बॉलिंग इनका हर मैच में फिक्स है विकेट दोस्तों मिले चाहे मत मिले लेकिन विकेट उनको बॉलिंग मिलना फिक्स रहता है लास्ट मैच में ग्यारह रन नॉट आउट प्लस एक विकेट दो बार डाल के अच्छा परफॉर्म करके गए हैं दोस्तों ठीक है उसके बाद महदी अल महमूद हैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा बैटिंग बॉलिंग से दोस्तों उतना एडवांटेज नहीं देते और उतना अच्छे फॉर्म में भी नहीं है दोस्तों ठीक है अहमदुल्ला है प्लेयर बढ़िया है ये और बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है बॉलिंग से भी खेलता है तो बिल्कुल इसको लेकर के चलेंगे इस सीरीज़ में इसका परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक ही लगा है अभी तक विकेट्स भी इसको मिले हैं प्लस ये रनस भी कर सकता है तो ले करके चलेंगे बाकी दोस्तों नीचे से ये तीन प्लेयर लाइनअप में थे रिबोन अहमद और यहाँ पर रुपुल आमिन तो ये तीनों प्लेयर तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे तो इनको मैं नहीं लूँगा अगर जी के अंदर आप लेना चाहो तो यहाँ पर रहमान को जी में लेकर के चलना एक आठ टीम में ठीक है तो दोस्तों अभी के लिए जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे ना फारूक अहमद हैं अब्दुल्ला अलमून है हरदीप सिंह है इनको लेकर के चलेंगे और यहाँ से दोस्तों सैदुलर रहमान है इनको तो लेकर के चलना है अब अहमद उल्ला है तो ये प्लेयर्स मेरी टीम में बिल्कुल रहने वाले हैं बाकी दोस्तों यहाँ से जाहिद हसन जैसे प्लेयर्स को आप जी वगैरह फिर स्मॉल लीग में अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लेकर के चलिएगा ठीक है बाकी इनके बेंच के प्लेयर में से देखो अब्दुल सामद है दोस्तों ये लाइनअप में आता है तो बिल्कुल इसको डायरेक्ट लेकर के चलेंगे फर्स्ट मैच खेला नहीं था अभी वाला बाकी दोस्तों अगर लाइनअप में आ जाए तो इम्पोर्टेंट रहेगा सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड हैं कुछ प्लेयर्स के नहीं हैं तो उनके मिले भी नहीं हैं स्टार्टिंग कवर की बात करें तो अब्दुल्ला अल मामून है और सैदुर रहमान है। डेथ ओवर्स में दोस्तों अब्दुल्ला अल मामून है फारूक अहमद हैं डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आगे बात करें दोस्तों टीम रॉयल बार्सोलोना के प्रोबल प्लेइंग एलेवन के बारे में तो दोस्तों रॉयल बार्सोलोना की जो टीम है ना अभी तक अपना तेरह मैच खेल चुकी है इस एस ट्वेंटी का जिसमें दोस्तों आठ मैच इसने विन किया है और पाँच मैच लॉस किया है तो इनकी टीम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है नाबिल कौशर हैं दोस्तों और उनके साथ शाहिद नाजिर मोस्ट प्रॉब्ली आपको ओपन करते हुए दिखेंगे यहाँ से ठीक है दोनों ही ओपन करते हैं नाबिल कौशर दोस्तों ये ना अभी हालांकि बॉलिंग नहीं करा रहा है लेकिन बॉलिंग कभी भी करा सकता है ठीक है लास्ट के चार मैचेस में ही बॉलिंग नहीं करा है लेकिन बॉलिंग करता है करेगा तो दो ओवर की बॉलिंग कर लेगा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों इसको बिल्कुल प्रेफरेंस में लेना अपने ठीक है कैप्टन वाइस कैप्टन ना करो या फिर करो आपकी मर्जी रहेगी लेकिन दोस्तों टीम में जरूर रख के चलना नाबिल कौसर बढ़िया प्लेयर है शाहिद नाजिर है ये भी दोस्तों पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर ले रहा है क्योंकि दोस्तों देखो स्टार्टिंग में ये बॉलिंग नहीं किया एक भी मैच क्योंकि उस टाइम पे विकेट कीपिंग करता था अब ये विकेट कीपिंग नहीं कर रहा है मैं आपको हमेशा से ये चीज़ बताते आ रहा हूँ ठीक है तो बॉलिंग कभी भी जरूरत पड़े तो कर सकता है ये प्लेयर ठीक है तो लेकर के चलिए शाहिद नाजिर प्लेयर बढ़िया अच्छा है और आपको रनस करके देगा प्लस दोस्तों बॉलिंग मिल जाए तो विकेट भी लेकर के देगा सरजिल को असर आपको दिखेंगे यहाँ से विकेट कीपिंग कर रहे है लगातार कंटिन्यू मैं आपको अपडेट दे दूंगा किसी मैच में विकेट कीपिंग ना करे तो अगर ये विकेट कीपिंग नहीं करेगा किसी मैच में तो दो ओवर की बॉलिंग इसकी मान के चलो तब तो जा करके दोस्तों ये बहुत खतरनाक हो जाता है प्लेयर क्योंकि इसका हीटिंग ना एक बार अगर टिक गया तो बहुत मारता है वरना फिर ये फ्लॉप होकर के अभी जाता है मैंने इसको हमेशा देखा है बॉलिंग से भी दोस्तों काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है सर्जुल को असर ले करके चलिएगा लेकिन अभी विकेट कीपिंग कर रहा है ठीक है इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो मेरी टीम में रहेगा हमजा हसीम इसको भी लेकर के चलना है इस सीरीज़ में इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर गया है विकेट से इसको लगातार मिल रहे हैं दोस्तों प्लस ये रन भी कर सकता है ताकि उल मजहर हीटर प्लेयर है लेकिन दोस्तों इसको चांस बहुत कम मिलता है बैटिंग फर्स्ट पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बैटिंग सेकेंड पर ड्रॉप करके भी चल सकते हो टॉप ऑर्डर अगर फ्लॉप होगा तभी इसका बैटिंग आएगा दोस्तों क्योंकि ये तीस चौथे पाँचवें नंबर पर बैटिंग करता है उसके बाद दोस्तों मुराद अली हैं ये भी बेहतरीन हिटर प्लेयर प्लस दोस्तों इसका बॉलिंग भी काफ़ी शानदार लगता है मुझे ठीक है विकेट्स इसको मिल जाते हैं प्लस ये रन्स भी कर सकता है जब भी मौक टाइम मतलब चांस मिले टीम के लिए रन बनाने के लिए तो बिल्कुल दोस्तों ये रनस कर सकता है लेकर के चलना ओवरऑल एक अच्छा ऑप्शन रहेगा मुराद अली बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है सैयद अली हुसैन को ड्रॉप करके कर चलूँगा दोस्तों लास्ट मैच हालांकि तीन विकेट रहा लेकिन फिर भी दोस्तों मैं इसको नहीं लूँगा आज के मैच में आप लेना चाहो तो जी वगैरह में इसको ट्राई करके चल सकते हो जी एल का पिक रहेगा इस मॉल का नहीं आवेश राजा ड्रॉप करके चलूंगा यहाँ से उमर जमन ड्रॉप करके चलूंगा और यहाँ से दोस्तों अहमद जहानजेब हैं एक से दो ओवर की बॉलिंग करेंगे जीएल के अंदर ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसका रहेगा देखो यहाँ दो विकेट यहाँ एक विकेट तो दो मैच में ही विकेट मिले हैं बाकी में नहीं मिला है बहुत कैजुअली बॉलिंग करता है दोस्तों किस्मत से विकेट मिल जाए तो बात अलग है नोमन सरवार खेलता है तो बिल्कुल इसको लेकर के चलिएगा इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा आपके लिए अच्छा प्लेयर है नोमन सरवार खेलेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा अभी के लिए दोस्तों यहाँ से जो मेरे लिए इम्पॉटेंट है जिनको मैं अपनी टीम में लेना चाहता हूँ नाबिल कौशर हैं और शाहिद नाजिर हैं सरजिल कौसर हैं नीचे से दोस्तों हमजा हसीम हैं ताकिुल मजहर हैं ये मेरी टीम में रहेंगे मुराद अली हैं एक अच्छे ऑप्शन आपकी टीम में होने चाहिए प्लेयर ठीक है इनको लेकर के चलो बाकी नीचे से दोस्तों जो मेरे को लग रहे हैं जीएल में नोमन सरवार जैसे प्लेयर्स को ट्राई करके चलो बाकी इनके बेंच से दोस्तों कोई भी खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा गुलरेज हसनैन खेले तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कोई भी अगर इधर से खेलता है ना सुमान अजद भी खेले तो पार्ट टाइम एक से दो ओवर की बॉलिंग कर लेता है ये कभी भी ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान दे करके चलना इंपॉर्टेंट रहेगा स्टार्टिंग के अवर की बात करें तो मुराद अली है हमजा हशीम है डेथ ओवर्स में दोस्तों हमजा हसीम रोमन सरवार आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे तो दोस्तों ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर के स्टेट्स के बारे में बात करें एक डेमो टीम की तो भाइयों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे शाहिद नाजिर जो कि मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो इनको लेकर ही चलूंगा मोला आपको नहीं ले रहा हूँ दोस्तों बहुत कम लोग लेकर के जाएंगे और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये बैटिंग सेक्शन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों तो अपन को मिलेगा नाबिल कौसर लेकर के चलना ही चलना है इस प्लेयर को उसके बाद दोस्तों ताकि उलमजहर हैं इसका बैटिंग आ जाए तो काफ़ी बढ़िया बैटिंग करेगा ठीक है लेकर के चलिएगा इसको भी इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी नीचे के जो प्लेयर्स हैं उनमें सैयद अली हुसैन है यह दोस्तों जी का पिक रहेगा जी वगैरह में ट्राई करना है तो इसको कर सकते हो बाकी नीचे के प्लेयर जो हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ऑलराउंडर सेक्शन में हमजा हसीम है जी हुसैन है फारूक अहमद है सरजिल कौसर हैं इनको लेकर चलेंगे सैदुरर रहमान हरदीप सिंह हैं तो ये प्लेयर्स छह प्लेयर जो हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने अपनी टीम के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये बेंच में देख बेंच बोलता हूँ नीचे और भी प्लेयर्स हैं लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो इनको मैं नहीं लूँगा बॉलिंग सेक्शन की तरफ आए तो मुराद अली हैं ए ममून हैं तो ये दो प्लेयर्स दोस्तों आपको लेना पड़ेगा ठीक है इधर से आप किसी को ड्रॉप करते हो ना फिर आप यहाँ से प्लेयर्स उठा सकते हो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं बेंच में भी लेकिन दोस्तों अभी के लिए एलमून मेरी टीम में रहेंगे यहाँ से आप चाहो तो अब्दुलसामद लाइनअप में आते हैं तो इनको ले सकते हो अहमदुल्लह अच्छा ऑप्शन है जय हसन अच्छे ऑप्शन है दोस्तों इनको भी ट्राई करके चल सकते हो ठीक है बाकी नोमन सरवार जैसे प्लेयर्स भी अगर खेलते हैं तो देखिएगा ये मेरी इस मैच की डेमो टीम रहेगी दोस्तों और यहाँ पर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ हरदीप सिंह हैं और यहाँ पर शाहिद नाजिर नाविल कौसर हैं फारूक अहमद हैं ए अलमून हैं तो ये पांच ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे हैं और फाइनल टीम फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मिलेगा दोस्तों पाँच बजे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच पाँच बजे तक दोस्तों टेलीग्राम में अपडेट मिल जाएगा फाइनल टीम का